दो तस्वीरों को देखिए, देखिए कैसे प्रवासी मजदूरों ने लुप्त हो रहे इस कल्याणी नदी को प्राकृतिक स्वरूप लौटा दिया। ये यहाँ के मजदूरों की मेहनत है कि आज ये नदी खिलखिला रही है। एक समय ये नदी किसानों के लिए सबसे बड़ी जल स्रोत थी, लेकिन समय के साथ ये नदी सिकुड़ती गई और खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन लॉकडाउन के दौरान अपने गांव वापस आए मजदूरों ने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। दिल्ली, कानपुर, मुंबई से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत यहां काम मिला और नदी का पुनर्जन्म हुआ। मंडीलाल हमारा नाम है, मोहिया ग्राम पंचायत के रहयाले हैं। कानपुर में काम करते रहे कपड़े वाली दुकान पर, वहाँ पर लॉकडाउन चालू हुई तो वहाँ काम नहीं रह गया, अपने सीधे घर का है। यहाँ नदी कल्याणी नदी खुदत रहे, जब हमारे गांव के सब आवत रहे काम करे, हम भी आए साथ में यहाँ काम करे। और गरीबी बड़ी ख़राब है, स्थिति बड़ी ख़राब रहे। और योगी मोदी ने जो ये काम चलवाया तो सभी लोगों को गरीबी दूर होगी, खर्चा पानी सब चले लाग बराबर। और धन्य भाग योगी मोदी की जो शासन प्रशासन से ने जो ये काम जो चलवाया। आज से पहले बहुत कम लोगों को कल्याणी नदी और यहाँ के मजदूरों के बारे में पता होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस गांव की तारीफ की, लोग लगातार इंटरनेट पर इसको सर्च कर रहे हैं। पीएम ने यहाँ के मजदूरों की जमकर तारीफ भी की। प्राकृतिक स्वरूप लौटाने के लिए काम शुरू कर गया। नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान, आसपास के लोग भी उत्साहित हैं। गांव में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए, आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए हमारे श्रमिक साथियों ने जिस तरह अपने कौशल्य का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की स्थितियों को बदला है, वो अद्भुत है। प्रधानमंत्री की तारीफ के बाद यहाँ के लोग काफी खुश हैं और यहाँ के खंड विकास अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने भी यूपी तक से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जनपद बाराबंकी में जो ब्लॉक फतेहपुर में कल्याणी नदी के पुनरुद्धार का कार्य मनरेगा के अंतर्गत हो रहा है उसकी चर्चा की है, तो निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है, गर्व के क्षण हैं। और अब हम सभी जो है दुगनी ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नदियों का जो पुनरुद्धार कार्यक्रम है उसके आधार पर शुरू किया गया था। और हमारे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय के ही नेतृत्व में और उनके लीडरशिप में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कराया था। और ये कार्य इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने इसमें कार्य किया है और आज चूँकि इसकी चर्चा मन की बात कार्यक्रम में हुआ है तो निश्चित रूप से हम सभी को बहुत ही ऊर्जा मिल रही है और दुगनी प्रेरणा से हम लोग काम करेंगे। बता दें कि एक समय कल्याणी नदी हरदोई से उन्नाव के मध्य तक बहती थी और इसी नदी की वजह से लाखों किसानों को पानी मिलता था, लेकिन समय बदला और इंसानों ने इस नदी को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान स्थानीय मजदूरों ने अपने हाथों में फावड़ा उठाया और इस नदी का रंग रूप ही बदल दिया। 50 साल से अपनी किस्मत पर आंसू बहारी इस कल्याणी नदी को मनरेगा के तहत 678 मजदूरों ने पुनरुद्धार करके दोबारा जीवित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में प्रवासी मजदूरों के इस काम की सराहना की है। लॉकडाउन के मारे इन प्रवासी मजदूरों को जहां रोजगार मिला, वहां इस कल्याणी नदी को नया जीवन भी मिला है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ रेहान मुस्तफा, यूपी तक।